रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रियंका गांधी ने मौन धारण किया है। वो गांधी प्रतिमा पे मौन व्रत करके बैठी हुई हैं, और यही वजह है कि वो पूरी तरह से मौन व्रत में दिखाई दे रही हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं। आप खुद देखें कि तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो है मौन व्रत करके यहाँ पे बैठी है। यहाँ पे सबसे पहले वो पहुंची, उन्होंने माले अर्पण किया महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर, उसके बाद वो सीधे जो है मौन करके बैठी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है लाइन ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तमाम बड़े मुद्दे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, यही वजह है कि कुछ जो है अब प्रियंका गांधी जो है वो इन मुद्दों को लेकर के जो है मौन व्रत करके बैठ गई है गांधी प्रतिमा पर। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी महात्मा गांधी के चरणों में जो है मौन व्रत करके बैठी हुई है, और इनका साफ यही मत है, यही कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लगातार महिलाओं बेटियों साथ जो है अत्याचार हो रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है ये दावे करती है कि उनकी जो सरकार सबसे बेहतर कर रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी जी सबसे पहले यहाँ पर पहुंची, उन्होंने माले अर्पण किया और बापू के चरणों में अब वो मौन व्रत करके बैठी है। सरकार के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो जो है यहाँ पर मौन व्रत करके बैठी हुई है। तो देखिए लगातार अनूप ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रियंका गांधी आपको नजर आई, हालांकि उन्होंने कहा गया कि मौन धारण कर लिया है। महंगाई को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर तमाम जो बातें लगातार विपक्ष उठाता रहा है, खुद प्रियंका गांधी उठाती रही हैं, उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर प्रियंका गांधी का मौन व्रत या कहें कि मौन धारण करते हुए धरना, सांकेतिक धरना ये इस वक्त उनका जारी है। अजय कुमार लल्लू ने साफ कहा कि महिलाओं की अस्मिता की बात लगातार की जाती है, और उसी को लेकर यहाँ पर प्रियंका गांधी जो हैं वो अब मौन धारण कर चुकी हैं, और फिलहाल वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रही है। तो लगातार बात करने की कोशिश हालांकि जरूर है, लेकिन अनुराधा मिश्रा बात कर रही हैं उसकी जगह मीडिया वालों से, और अजय लल्लू जिस तरह से हिंसा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, खासकर महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है, आज प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पर महात्मा गांधी जी के चरणों में फूल अर्पण करने के बाद वो मौन धरने पर बैठ गई। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की अनुराधा मिश्रा ने, उसी को लेकर कहा कि धरने पर बैठी हैं, महिला अस्मिता की बात करते हुए यहाँ पर अजय लल्लू कहते हैं इसी वजह से वो मौन व्रत करके यहाँ पर बैठी हैं। तो पहले देखिए सीधे उन्हें पहुंचना था कार्यालय, लेकिन यहाँ पर कानून का राज समाप्त हो गया है, महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, रोज लूट हत्या के लगातार प्रदेश की पहचान बनी है। निश्चित तौर से पूरा देश दुखी है, जिस तरह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक महिला के साथ जो अभद्रता की गई, उसकी साड़ी को खींचने का काम किया गया, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ मौन धारण करके इस जंगल राज की समाप्ति के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, गुंडा राज की समाप्ति के लिए, और इस भ्रष्ट योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी जी के चरणों में आज यहाँ मौन धारण की है, और निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, ये सरकार उत्तर प्रदेश से जाए ताकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित हो सके। तो देखिए अजय कुमार लल्लू बात कर रहे हैं मीडिया से, और यहाँ पर हालांकि प्रियंका गांधी बात करते नहीं नजर आ रही, उम्मीद थी कि अगर वो बैठी हैं तो जरूर मीडिया से कुछ बातचीत करेंगी, हालांकि अभी उन्होंने अपना मौन धारण कर लिया है, उसी वजह से वहां पर अनुराधा मिश्रा बोलती आ रही हैं, और अजय कुमार लल्लू वो भी यहां पर बात सामने रख रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है, महिलाओं को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यूपी सरकार ने अभी तक कठोरता नहीं दिखाई है उसको लेकर यहाँ पर ये जमीन पर कांग्रेस है, और कांग्रेस इसी मजबूती के साथ उतरेगी विधानसभा के चुनावों में भी।